वेरी सैड न्यूज़, एक बार फिर विराट कोहली की टीम आईपीएल जीतने में नाकाम हो गई है। और वीडियो देखने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि अब मुंबई इंडियंस के साथ दूसरी टीम कौन सी होगी जो कि फाइनल खेलेगी, डीसी होगी या एसआरएच होगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आज के मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पहले खेलते हुए 131 रन स्कोर किए, ऐसे लग रहा था कि सनराइज़र्स हैदराबाद जो वन साइडेड जो है इस टोटल को विन कर लेगी। लेकिन अगर बात की जाए आरसीबी के बॉलर्स की तो आउटस्टैंडिंग मैं कहता हूँ बॉलिंग की है, उन्होंने मैच को लड़ के हारे हैं। मैच देखने का मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर मैच था। और आप कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आरसीबी को क्या चीज़ बेहतर करनी चाहिए थी आज के मैच में जिसकी वजह से वो हारे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में जो विराट कोहली से ओपनिंग करवाई गई है ना, वो मुझे लग रहा था कि वो गलत है। अगर वो तीन नंबर के ऊपर आके अच्छा कर रहे हैं तो आपने उनसे ओपनिंग क्यों करवाई है। बाकी अगर देखा जाए तो आरसीबी लड़ के मैच हारी है, कोई नहीं, एक टीम ने जीतना होता है एक टीम ने हारना होता है। लेकिन अगर एसआरएच की बात की जाए, ये टीम बहुत ज्यादा डेंजरस बन चुकी है। अब इसमें केन विलियमसन है, इसमें जेसन होल्डर है, जिस तरह इन दोनों प्लेयर ने आज मैच को फिनिश किया है और एक्सपीरियंस शो करवाया है, एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलते हैं और ये आईपीएल वगैरह पीएसएल के मैच इस तरह का फिनिश करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। टीम मैनेजमेंट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। डेविड वार्नर के चेहरे से लग रहा था कि जिस टाइम उन्होंने मैच जितवाया, जेसन होल्डर ने चौका मारा, तो उनके चेहरे से जो खुशी थी वो नजर आ रही होगी आपको भी और मुझे भी नजर आ रही होगी। और यार मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से आरसीबी के फैन थे, आरसीबी अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, और कौन से एसआरएच के फैन है जो कि बड़े खुश हैं एसआरएच जो मैच जीती है और सेमीफाइनल खेलेगी दूसरा डीसी के खिलाफ, और देखते हैं कि फाइनल में कौन सी टीम जाती है।